मनुस्मृति को थोपने के लिए और उसी के तरह इस देश का सारा चीज संचालित करने के लिए ये जो है शिक्षा को व्यवसायीकरण कर रही है, उसे निजी हाथों में सौंपना चाहती है। और ताकि यहाँ के जो गरीब बुढ़वा लोग हैं, जो खड़ी आबादी है, वो शिक्षा से वंचित रहे और वो केवल घंटा बजा दे, अपने अधिकारों की बात ना करे। साथियों, आप लगातार पेपर में पढ़ते होंगे, आप देखें क्या हो, क्या देखे, केवल अडानी और अंबानी का बिजनेस बढ़ाने के लिए गए थे वहाँ? क्या वहाँ क्या शिक्षा व्यवस्था देखे, वहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था को देखे, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था को देखे? नहीं देखे। साथियों, ये पूंजीपतियों का केवल एजेंट के रूप में बहाल हुए हैं, ये सरकार नहीं, ये सरकार भी निजी हाथों में आए। हम कहना चाहते हैं कि इन निजी सरकारों से छुटकारा लेना पड़ेगा और इनका कड़ा जो है प्रतिवाद करना पड़ेगा। तमाम जितने भी देश के जितने भी नौजवान और छात्र हैं, चाहे वो कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी मजहब के हो, सभी को एक समान एक पाव जो है रोड पर आना होगा। और ये जो सरकार का पूंजी वाली नीति है, ये जो कॉरपोरेट ट्रस्ट जो है नीति है, इसका विरोध करना पड़ेगा साथियों। और लड़ते रहेंगे साथियों, किसी का जय देश इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जो आए और अपनी बातें रखें। गौतम जी, आज फीस वृद्धि कर लोगों का अंगूठा काट रहा है। हमारा मामला जो है सिर्फ फीस वृद्धि का नहीं है, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री होना चाहिए। ये सब मामला भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लूट करता है तो अपने बच्चे को सम्मान छप जाएगा, सबको अनेकों अनेक शुभकामनाएं देगा। शुभकामना किस बात का भाई साहब, जब पेट में रोटी नहीं होगा, हाथ पर रोजगार नहीं होगा और बेड में शिक्षा नहीं होगा तो वो क्या होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। गुलामी में रहकर गुलामों से खेतों लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, और शिक्षा जो है वो गुलामी से मुक्त करता है। इसलिए शिक्षा को करना और नए नए बातों को सामने रखना, नए सवालों को सामने में रखना, आप देखेंगे कि शिक्षा पर इतना बड़ा हमला हो रहा है इस देश के अंदर। 2019 का शिक्षा कानून पर लीजिए, नई नीति जो आई है शिक्षा का, उसमें क्या है, तमाम तरह के जो बड़े बड़े पूंजीपति घराने हैं, जियो के लिए करोड़ों रुपया, जियो का यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, उसका करोड़ों रुपया का फंड हमारे तिलका गांधी भारत विश्वविद्यालय के लिए क्या है। तमाम तरह के बिहार में 17-18 मात्र विश्वविद्यालय है, कॉलेजों की कमी है, शिक्षकों की कमी है। हमें जो चाहिए बच्चों के लिए हर एक जगह पुस्तकालय की जरूरत है, वो नहीं है। हमें क्या, ये सरकार नए नए तरह का एजेंडा आपके सामने लाएगा। आज भी अखबार में कह दिया हम इसका कि पूरे देश के अंदर हम एनआरसी का जांच करवाएंगे। अब वो तय करेगा कि आप नागरिक है या नहीं है, वो सरकार तय करेगा कि आप नागरिक है कि नहीं है। हम यहाँ कई पुस्तों से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब हमको सर्टिफिकेट देना है मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ। तो ये जो सरकार में बैठे तमाम लोग हैं, इनका बहिष्कार करिए और इनको उखाड़ फेंकिए। इस नुक्कड़ सभा के हिस्से हम मांग करते, पहले नहीं हुआ, और अलग अलग जगह पर अखबार हमारे तक वो समाचार आने नहीं दे रहा है। आप देखेंगे कि कई यूनिवर्सिटी में 14 महीने से 3-3 महीने से लड़के धरना पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका फीस जो 1.25 लाख था सीधे 5 लाख सालाना कर दिया है। अब आप बताइए कि जो किसी तरह साल में 1.25 लाख से पानी की स्थिति में था, वो अब 5 लाख कहाँ से देगा? और ये स्थिति लगभग पूरे देश में धीरे धीरे बनाई जा रही है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक व्यवसायीकरण बंद करो, शिक्षक व्यवसायीकरण बंद करो। तो हमारे बीच अच्छे अच्छा विश्वविद्यालय भागलपुर काले भाग पूरे देश में नहीं है, और
वोडाफोन अच्छा लगता है, उसको एयरटेल अच्छा लगता है। आज देखिएगा अखबारों में 42,000 करोड़ रुपया दिया गया है वोडाफोन को, जियो को और दूसरे निजी कंपनियों को। निजी कंपनियों के लिए पैसा हो सकता है, लेकिन जेएनयू में जो लड़का पढ़ रहा है उसके लिए भारत सरकार के पास पैसा नहीं है, ये सब लोग जानता है। ऐसी दशा में जब जेएनयू के छात्रों ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर, यह बताता है कि यह मुल्क लोकतांत्रिक नहीं है। अगर छात्र विरोध करते हैं शांतिपूर्वक, कहते हैं कि फी घटाओ, जो फी था वही फी लागू करो, जब वो कहते हैं और दिल्ली पुलिस लाठी बरसाती है, तो आप सोचिए कि यह देश लोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक नहीं है। नरेंद्र मोदी, जिसको हम लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी, वह अंततः तो भारत का नौकर ही है, भारत की जनता का नौकर है नरेंद्र मोदी। अब वो नौकर नहीं रहे, वो भारत की जनता का मालिक बन गए। बात उलट गई और शिक्षा को बर्बाद करने की कोशिशें चल रही हैं। पहले IIT में फीस बढ़ाई गई, IIM तक फीस बढ़ाई गई, उत्तराखंड में आयुर्वेद के लड़के अभी भी सड़क पर खड़े हैं, जहां तहां इसका विरोध हो रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि सरकारी शिक्षा को बर्बाद करने की पूरी कोशिश चल रही है, ज्यादा से ज्यादा महंगी शिक्षा भारत में लागू करने की कोशिश की जा रही है। इंजीनियरिंग को महंगा कर दिया, मेडिकल को महंगा कर दिया, जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको महंगा कर दिया। आखिर भारत का नागरिक के खिलाफ है और छात्रों के साथ, छात्रों के साथ इसलिए है कि लोकतंत्र का पहला काम होता है कि शिक्षा और चिकित्सा, दो चीजों के मामले में जनता को पूरी तरह से मुक्त रूप से दिया जाए। जेएनयू में जो शिक्षा है वह शिक्षा मुफ्त में चल रही, कम से कम पैसे में चल रही, और सरकार 50 गुना ज्यादा उस पर लाद करके शिक्षा को महंगी कर रही है। दूसरी बात यह है कि जेएनयू भारत सरकार के अनुसार सर्वोत्तम विश्वविद्यालय, सर्वोत्तम, इससे बड़ा विश्वविद्यालय नहीं, और सर्वोत्तम विश्वविद्यालय के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा क्या अंबानिया के लिए है, अडवाणी के लिए है, अडानी के लिए है? अगर उसके लिए पैसा है और छात्रों के लिए पैसा नहीं है तो आप चलाते क्या, लोकतंत्र में हो क्या रहा? और इसलिए हम सारे लोग साथ में हैं, जेएनयू के छात्रों के साथ हैं, सरकार की परिवर्तन के खिलाफ। डॉक्टर योगेंद्र भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। इलेक्शन की बात आती है तो हजारों रुपया खर्चा किया जाता है, जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो हर पार्टी के लोग अपने अपने मेंबरों को, अपने अपने पार्लियामेंट को एक हॉस्टल में या होटल में बंद करके बैठा देते हैं कि ताकि तुम आगे नहीं जाओ, नहीं तो हमारी सरकार बिगड़ जाएगी, तुम बिक जाओ। आखिर ये बिक्री होता है और उसके लिए सरकार के पास पैसा आता है, और क्या ये जेएनयू के लिए सरकार के पास कोई पैसा? बात खत्म कर, धन्यवाद। दाऊद है हमारे बीच, सहवाद जी हैं, तो उनसे हमें अनुरोध है कि जो जेएनयू